बैक टू माई यूट्यूब चैनल। होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने वैसे घर जाना था और मैं तैयार तो यूर होके बैठी हुई हूँ, बट मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ। लाइक आज इतनी ठंड है, इतनी ज्यादा ठंड है कि मेरा निकलने का मन नहीं कर रहा है। मैं आपको ठंड दिखाती हूँ एक बार। ठंड दिखाते नहीं है ना, मतलब मैं आपको कोहरा दिखाती हूँ। देखो अभी तो बहुत कम हो गया है, पहले तो यहाँ यहाँ तक पूरा गीला हो रखा है, तो यहाँ यहाँ तक पूरा कोहरा था, बहुत ही डेंस कोहरा। बहुत ज़्यादा ठंड है बाहर, मेरी सच में हिम्मत ही नहीं हो रही है कि मैं जाऊँ घर पे। मतलब मैं 2 बजे के बाद जाऊँगी, क्योंकि 2 बजे हमारा वाइवा भी है, तो मैं सोच रही हूँ कि वाइवा दे के एंड फिर ही निकलूँ। मेरी हिम्मत नहीं हो रही घर जाने की भाई साहब। चलो ठीक है, तैयार तो हो गई, ऐसे बैठी रहूँगी और जब मन करा तब मैं निकल जाऊँगी। और मैं पहले ना सोच रही थी कि अभी ठंड आ ही नहीं रही है, क्योंकि इस बार थोड़ा मौसम ऐसा है ना कि ठंड इतनी लग नहीं रही थी, अब एकदम से इतनी ज़्यादा ठंड लगने लग गई है। पिछले 2-3 दिनों से ना बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है, पहले तो कोहरा भी नहीं होता था, अब हो रही है, मतलब धुंध पड़ रही है, अब तो ठंड नहीं पसंद। मेरे ठंड की वजह से ऐसे पूरा यहाँ पे बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, ख़राब हो जाती है मेरी उंगलियाँ। यहाँ ये देखो छिलने लग गई ना, एंड उंगलियां सूज भी जाती है ठंड की वजह से, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। पर चलो क्या ही कर सकते हैं। पार्टी वाला व्लॉग डाल दिया है और इसे भी जाके चेक करो 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 करो। शिति 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 शिति। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट नहीं किया क्योंकि मेरा बिल्कुल मन नहीं था बेड से उठने का, तो अभी मैं खा रही हूँ ये ब्रेड। ये दूसरा ब्रेड है, इसमें मैंने डाला है किसान एंड पीनट बटर, और साथ में मैं ये पी रही हूँ कोक। इतना मीठा सुबह सुबह इतना मीठा खाना, गरम एंड मीठा, अब देखना ऐसा होगा ना, बहुत ज़्यादा मीठा हो गया, क्योंकि ये मैं दूसरा ब्रेड खा रही हूँ और जैम ही जैम है, तो यहाँ यहाँ कुछ हो रहा है, यहाँ यहाँ यहाँ। अभी मेरा 2 बजे वाइवा है, बट टाइम हो गया है 2:13 और अब तक लिंक नहीं आया है, तो ऐसा लग रहा है कहीं लेट लेट होते होते ज़्यादा ना लेट हो जाए, क्योंकि ये मुझे घर भी जाना था तो पहुंचने में भी देरी हो जाएगी। ऐसे ना कि अभी सर्दियां हैं तो जल्दी दिन ढल जाता है, तो मम्मी लोगों को टेंशन हो जाएगी पहुँचने में भी, लाइक कि अभी तक बेटी पहुँची नहीं है, यहाँ से अगर लेट निकली तो फिर जलंधर जाने में भी आजकल बहुत टाइम लग जाता है। और लेट्स होप कि जल्दी आ जाए और फिर वाइवा देख के निकलते हैं। फाइनली ऑल सेट और मैं निकल रही हूँ घर को। टाइम हो गया 3:15, बस टाइमली पहुँच जाऊँ क्योंकि आज मौसम भी काफ़ी बेकार है, ऐसा सूटकेस भी लेके जाना पड़ रहा है। आते टाइम ना मैंने रजाई लेके आनी है, मेरे पास यहाँ पे कंबल ही है, बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है क्योंकि, और रजाई की बहुत ज़रूरत है, फिर इस सूटकेस में आ जाएगी पूरी रजाई। तो शुक्र है कि मेरे को मैम मिल गई थी जिन्होंने मेरे को 3rd सेम में पढ़ाया था, और बहुत अच्छा हुआ उन्होंने मुझे कहा कि मैं तुझे बस स्टैंड तक छोड़ देती हूँ, और वो कुछ काम से बाहर जा रखी हैं, तो बस निकलती है 5 मिनट में। अच्छा मैं बस में नहीं आई, वरना 1 घंटे से ज़्यादा लग जाना था। फाइनली थैंक यू सो मच मैम कि आप मुझे मिल गए, यही बात है। मैंने ले लिया है दाल, मैंने ले मोटू पतलू चल गर्म हो गया। ओए छुटकी इतने पता नहीं कौन ना पतलू मेरी मम्मी इतनी सुशील है ना, कसम से मेरे बना रही है मूंगफली चाट।
मम्मी आप इतने अच्छे क्यों हो मुझे बता दो। आलू मटर है ना, मूंगफली का चाट, मूंगफली बॉयल होके उसमें प्याज काट के उसमें टमाटर काट के उसमें मिर्ची और उसमें नींबू। मैं इमेजिन कर रही हूँ वो चीज को, जैसे जी जो मुझे नहीं जीने देते वैसे ये मुझे नहीं जीने देती। नहीं पा रही मैं क्या करूँ। ये मुझसे पता 8 साल छोटी है और मेरे बराबर हो गई है। हाय जस्सू, मम्मा मोमो या चाप? राजा की तरह ये तो राजा बोलता है मोमो। नहीं सर राजा रोल खाएगा कि मोमो। अब कॉमली है, कॉमली है बाप के था बाप कॉमली राजा। ये साहब मम्मी बहुत हाँ नींबू नहीं है भाई साहब। इसको देख के किसके मुंह में नहीं पानी आ रहा बताओ मेरे। ये तू मत खाना ठीक है, तू मत खाइयो, मेरे तो ये फेवरेट स्नैक्स है। मतलब तो ये है बॉबी का रूम एंड एकॉस्टिक सिस्टम करा रखा है यहाँ पे। बॉबी तो पूरा काम वाम करा के चला गया और अब बेचारा कमरा ऐसे सुना सुना बैठा रहता है, पड़ा रहता है। और तभी जब मैं आती हूँ जस्मिन और आते हैं फिर हम यहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं, लाइक यहीं पे बैठते हैं। काफी मतलब शांत रहता है ना ये वाला कमरा, तो बड़ा मजा आता है। बातें होती है यहाँ पे सीक्रेट बातें होती है, टॉप सीक्रेट बातें होती है यहाँ पे। मैं क्या कह रही हूँ कि ना हम लोग ना डेयर डेयर वाली गेम खेलते हैं, सबको डेयर मिलेगा। वो देखो वो कहाँ पे छुपी है, माता को देख लो। ओए अच्छा अच्छा जा है नहीं मना रहे, इधर रख दे जैस्मिन, बैठने दे इसको यहाँ पे। चल देखते हैं वाह कितने अच्छे घूम रही वाटर फोन की तरफ। और आपकी टर्न है अब, चलो टास्क देते हैं। रुक जा तेनो डेयर मिला है। इस बाथरूम की लाइट ऑफ है, इस बाथरूम में जा और 10 गिन के आओ लाइट ऑफ में। और बुआ हम बंद, हाँ बुआ बंद, लॉक नहीं करना, लॉक नहीं करांगे। जा खोल जा, छोटी है ना अभी। 10 गिन 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मेरे ऊपर हार जाओ। जाओ गेट टू बार गेट के बाहर है, मम्मी ने लॉक ना लगा दिया गेट को। इसको लॉक लगा हुआ है तो इससे मैं अंदर नहीं जा सकती। बाकी कल पीड़ की बैठी तेरी पीड़ में बैठी, चलो बता। भाई मैंने तो टास्क कर लिया, ये जो ये लड़की है ना ये तो है ही, मतलब इसको ना शुरू से हमने कच्ची पूड़ी रखा हुआ है कि छोटी बच्ची है छोटी बच्ची है, लेकिन अभी ये बड़ी हो गई है। कौन सी क्लास में हो गई, तो 5th में हो गई है ना। मेरी बेटी 8th में है और मैं बीटेक लास्ट ईयर, तो बस एक टास्क रह गया। जैस्मिन को वैसे टास्क दे देते हैं, तुझे टास्क मिल रहा है कि तू भंगड़ा डालेगी ठीक है। मेरा डांस कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, और आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो जरूर शेयर करना एंड कमेंट करके बताओ कि कैसा लगा। एंड हाँ आज कुछ इतना खास मैं कर नहीं पाई क्योंकि पूरा दिन ऐसे ट्रैवलिंग में निकल गया। वाइवा के लिए मैं वेट करते करते लाइक आधा दिन तो उसी में निकल गया, तो आज तो थोड़ा डे थोड़ा बोरिंग था है ना। बट देखते अब कल से मैं कुछ करूंगी, कल हम करेंगे इंजॉयमेंट फुल इंजॉयमेंट कल हम करेंगे फुल इंजॉयमेंट। एंड इन लोगों का स्कूल है, ये लोग भी शायद 3:30 बजे तक आ जाएंगे, उसके बाद हम करेंगे मौजा ही मौजा शाम सवेरे हूँ मौजा ही मौजा। सो हाँ चल ठीक है, इसकी और रेडी होके जब हम सुबह रेडी होंगे तब दीदी हमारी फोटो खींचेगी। मैं नहीं खींचने वाली, मैं नहीं उठने वाली, उठना पड़ेगा तो
सो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय गुड नाइट एवरीवन।